वैलिडिटी होगी वीजे की वो एक साल की मिलेगी या नहीं, लेकिन मैंने अभी तक एक्सटेंड हो जाएगा फ्री में, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। ऑफिस है वो सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची वाला। आप अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाह रहा था, जिन भाइयों ने तुर्की के वीजे अप्लाई किए थे और उनके वीजे हैं वो कोरोना की वजह से मतलब वो ट्रैवल नहीं कर पाए और वो एक्सपायर हो गए, तो ईद से पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वो वीजा जो है वो एक्सटेंड कर दिए जाएंगे और काफी सारे लोगों के एक्सटेंड हुए भी हैं, लेकिन अब जो है ईद के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। जारी बात है एम्बेसी है तो वो जब चाहे अपनी पॉलिसी चेंज कर दे, तो उन्होंने अब जो है ईद के बाद से वीजा को रिन्यू करना जो है वो बंद कर दिया है। तो मेरे पास दो तीन दिन से पिछले अपडेट आ रही है, तो मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो बना दूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। अब आपके जो वीजाज हैं वो रिन्यू नहीं होंगे, अब आपको नया वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे है तो बड़ी ये सैड और अजीब सी न्यूज, लेकिन जारी बात सबको देनी तो है मैंने, ताकि लोगों को अपडेट हो जाए और वो बजाय इसके कि वो उस उम्मीद पे बैठे रहे कि अब हम वीजा रिन्यू करवा लेंगे, एक्सटेंड हो जाएगा फ्री में, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा, तो आपको अब दोबारा से सारा नया प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज। अब एम्बेसी की मर्जी है तो हम कुछ कर नहीं सकते। और साथ बता दूं कि जो जेरीज का जो ऑफिस है वो सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और कराची वाला आप जो है ऑपरेट कर रहा है, और आपके वीजा जो है वो ही लेंगे। तो आपको जो नियरेस्ट जो भी लगता है, इस्लामाबाद लगता है, लाहौर लगता है, कराची लगता है, आप वहां पर जाके अगर आपने तुर्की का वीजा अप्लाई करना है तो वहां पर जाके आप अपनी फाइल जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो बाकी सिटीज के जो उनके ऑफिसेज हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द ऑपरेशन हो जाएंगे। ये मैं साथ आपको ये पोस्ट भी शेयर कर रहा हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने ये चीज जो है मेंशन की है कि वीजा जो है आपको दोबारा से अब अप्लाई करने पड़ेंगे और ये ऑफिसेज खुले हैं। और साथ दो तीन दिन से मुझे ये भी एक काफी सारी लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि करीम भाई वीजा जो है अब अप्लाई करेंगे तो उसकी वैलिडिटी जो होगी, वीजा एक्सपायर होनी जो डेट होती है, एक्सपायरी डेट जो होती है, वो एक साल की अब मिलेगी। स्टे बेशक आपका 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का मिले, लेकिन जो आपकी वैलिडिटी होगी वीजे की वो एक साल की मिलेगी, यानी एक साल में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक, मेरे पास ये कंफर्म न्यूज नहीं आई इसलिए मैंने अब तक इस पर वीडियो नहीं बनाई। जैसे ही आएगी तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो अपडेट कर दूंगा। दैट्स इट। आपके प्यार का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मैं सबसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा न्यू चैनल है हुमायूं करीम, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ये वाला चैनल करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाला चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो इसको भी सब्सक्राइब करके दोनों के लिए बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे।